कहीं कुछ खाने चलते हैं और एंड करते हैं आज का दिन। बढ़िया सा यहाँ का फेमस या कुछ नॉन वेज बढ़िया मिल जाए तो मजा आ जाए ना। मोहम्मद अली रोड जाओगे? मोहम्मद अली रोड यार जहाँ पे वो खाने आने का होता है। कितना? 100 रुपये ले लेना। बाकी वो 100 में तो नहीं मांगे भैया, 150 बोल रहे हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोई 100 में मान जाता है तो। अपने को जाना खाओ गली मोहम्मद अली रोड। पीछे से बता दिया इन्होंने, पीछे देखो पीछे। लेट्स सी मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड भाई अकेले हैं, भाई अकेले हैं। 200 रुपये का होगा, 150 तो वो मांग रहा था। ब्लॉग बना रहे ना भाई यार, हम लोग कहते बैठ के ब्लॉग बना रहे। चलो ब्लॉग बना रहे तो 100 रुपये फालतू देने का भाई को। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई। ये भैया माने 120 रुपये में मोहम्मद अली रोड के चलते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो भाई हम आ गए मोहम्मद अली रोड। ये रोड के कोने पे ये मस्जिद है, देख के आपको पता चल जाएगा। और मिठाई वाले हैं ये शाही उस्मान, और मेरे पीछे समदम मिठाई वाले हैं। अजान भी हो रही है मगरिब की, मगरिब का टाइम हो गया। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अभी नमाज पढ़ जाता हूँ। A few moments later भाई यहाँ की ना एक फेवरेट मिठाई है अफलातून, कोई पता करना है दुकान में देखते हैं कितने की है। बेसिक अफलातून 740, मिक्स्ड घी ये कैशो 960, 1200, 1600। तो भाई ये रेट है जो मैंने आपको दिखा दिए। सामने जमजम देख रही है, देखो ये इस पे थोड़े से 50-60 रुपये सकते हैं। अभी किसी लोकल दुकान पर ट्राई करते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे ना बहुत सारी दुकान है सबकी, खाने पीने की। और ये मोहम्मद अली रोड से लिए हुए मज़ा। काजू 540, काजू बादाम 620, केसर ड्राई फ्रूट 640, काजू बनी 460। टेस्ट करा सकते हो भैया थोड़ा सा? नहीं। ये 640 है, कौन सा वाला ले। तो भाई हम डिनर भी यहीं करेंगे, अफलातून भी यहीं से लेंगे। और जितना आप अंदर आते जा रहे हो ना, उतना अफलातून का रेट कम होता जा रहा है। यहाँ शॉप वगैरह है, तो देखो आप कितने विक्के मिलेंगे। सब है खाना भाई, बहुत बढ़िया। और टेंशन नहीं किस बात की, हलाल है। मस्जिद वाली गली में मोहम्मद अली रोड है नाम था, तो बेची जाकर ऊके खाओ, जिससे मतलब ये हलाल वाली, हलाल झटके वाली। तो कुछ खाने के लिए भी ढूंढते हैं, एक दो स्ट्रीट फूड टाइप ट्राई करेंगे कुछ, ताकि आपको भी बता पाएं क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपना तुम तो ढूंढना ही है सस्ता और अच्छा वाला, वो भी मैं आपको कोई दुकान से टेस्ट कर दूंगा। मैंने जमजम का टेस्ट करा, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, और ये अभी जो टेस्ट करा आपके सामने ये करा, जमजम वाला ज़्यादा बेटर था, बट वो महंगा था उस हिसाब से, 200-300 रुपये। यार मैं ना बिल्कुल अंदर तक हो के आया, तो मतलब एरिया जमा मस्जिद जैसा है, बट जमा मस्जिद की तरह बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जैसे जमा मस्जिद वाली गली में अपने अंदर तक बिल्कुल ऑप्शन से ऑप्शन दुकानें यहाँ पे लिमिटेड हैं, होंगी 20-25, बट ठीक है ऑप्शन हैं। लिमिटेड भी नहीं कहूँगा, इनफ ऑप्शन है, बट वो जमा मस्जिद को से कंपेयर करूँ तो उतने नहीं हैं। तो अभी हमने सोचा सबसे पहले हम शारमा खाएंगे, और इस तरीके से ब्रेड सेक लेते हैं, पिज्जा ब्रेड टाइप, थोड़ी पतली हो उससे। तो चलते से ये सेक के, दिल्ली से अलग तरीका थोड़ा बनाने का इनका। बाकी इन्हीं की दुकान पे तो ये KFC वाला चिकन क्रिस्पर्स, चिकन रोल बंदा शायद फ्रेंकी क्या कट करके इस पर डालेंगे। ओ भाई ये लगा दी, ताला लगाया कोई। तो भाई ये शॉर्मा लिया हमने 70 रुपये का, पीटा ब्रेड में लिया हमने भाई ने, चेक करते हैं बताते हैं। दिल्ली वाले शॉर्मा से तो बिल्कुल अलग है, ग्रेवी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, जैसे ग्रेवी का रोल होता है ना, और रोल बहुत मोटा है। तो मतलब मेरा टेस्ट नहीं हो सकता, आपको पसंद आए, अगर क्रीमी चीज़ें पसंद है आपको, क्योंकि मेवा अच्छे से डाली क्रीमी है, और थोड़ा ग्रेवी सा भी डाला है इन्होंने, तो ग्रेवी ग्रेवी टेस्ट आ रहा। और मतलब आई वॉज रॉन्ग भाई, इधर देखो इधर भी दुकान है,
यहाँ गलियों के अंदर भी दुकानें हैं, तो हो सकता है ऑप्शन हों बहुत सारे। चलते हैं देख के आते हैं कितने ऑप्शन हैं अपने पास और मजे लेते हैं शोरमा के। यार पूरा शोरमा खाने के बाद थोड़ा ठीक ठीक लगा, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं था। ये लोग पाव वाव में भी लेते हैं, सब कुछ मेन कोर्स खाते हैं यहाँ पर। ये हिंदुस्तान क्वालिटी कुजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोकल से किसी को नहीं खाता, मैंने रिकमेंड करा है। ये इनका मेन्यू है। अच्छा, मेन कोर्स में चिकन भी है, मटन भी है, बिरयानी मैं सोच रहा हूँ ना मंगाऊँ, क्योंकि फिर मैं कंपेयर करूँगा इसे दिल्ली की बिरयानी से, जो कि अपने को नहीं करना है। चिकन अंगारा वहाँ के देखते हैं भाई सब। ये तो वेज है, वेज कौन खाता है, नो वेज, यहाँ के भी क्या फायदा वेज खाएंगे। ठीक है, चिकन अंगारा ही मंगाते हैं। भैया की भी रिकमेंडेशन हो गई, भैया से पूछा क्या बढ़िया, उन्होंने कहा चिकन टिक्का मसाला लगा के देखो, आई होप कि अच्छा हो। हमारा खाना आ गया, ये है बटर चिकन टिक्का मसाला, कोई खास उम्मीद लग नहीं रही, तंदूरी रोटी खाते हैं, चेक करते हैं कैसा है टेस्ट। अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन मांग ली थी शॉर्मा से वो नहीं है, खाना खा लिया हमने, डिसेंट सा खाना था, पर दिल्ली के खाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और देखो फिर बारिश हो गई, फिर मैं परेशान हो गया, जब से आया तब से बारिश बारिश। तो भैया अब यही है, यहाँ पे बारिश हो जा रही है, हो जा रही है, क्या किया जाए अब, अपने को जाना घर, घर ही मतलब होटल बहुत दूर है, 20-21 किलोमीटर है। तो गाइस वापस आ गए हम अपने रूम पे, आज का दिन बहुत टायरिंग हो गया यार, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल, फिर बारिश एंड ऑल। तो यार प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो, अगर आप मुंबई आ रहे हो तो मुझे बताना, कमेंट कर देना इस पे। बाकी कल मिलते हैं, होपफुली कल के दिन बारिश कम हो और हम ज्यादा घूम पाए। बाय बाय।